दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कानपुर शहर के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसे इस शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कानपुर शहर अपने सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, बिस्किट बनाने के कारखाने तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कानपुर के इतिहास पर नजर डाले तो कहा जाता है कि शहर का नाम सोमवंशी राजपूतों के राजा काना सोम से आता है, जिनके वंशज काना वंशी कहलाए। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी शामिल था। नाना साहब की अध्यक्षता में कानपुर के वीर सपूतों ने हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कई भारतीय वीर शहीद भी हुए थे, जिनकी वीरता की गाथा आज भी पूरा देश गाता है। लगभग 3,029 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले कानपुर शहर की कुल आबादी 45,81,000 है। इस 45,81,000 में 76% हिंदू तथा 20% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से कानपुर शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो कानपुर शहर में मुख्य रूप से 9 रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन यहां का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशनों में के सूची में शामिल है। इसका स्टेशन कोड CNB है और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म तथा 18 ट्रैक मौजूद है। हावड़ा दिल्ली लाइन, कानपुर झांसी मुंबई लाइन, कानपुर टुंड्रा आगरा लाइन, कानपुर डलमाऊ प्रयागराज लाइन पर यह रेलवे स्टेशन मौजूद है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के माध्यम से राप्ती सागर एक्सप्रेस, टाटा नगर एक्सप्रेस, अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, पनवेल एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की बात करें तो कानपुर शहर सड़क के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। इस शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 जो कि कानपुर को दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, कोलकाता से जोड़ती है और नेशनल हाईवे संख्या 25 जो कि लखनऊ, झांसी और मध्य प्रदेश से कानपुर को जोड़ती है। इसके अलावा कानपुर शहर में मौजूद झकरकट्टी बस अड्डा उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त बस अड्डों में से एक माना जाता है, जहां से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, नई दिल्ली आदि बड़े शहरों तक बस के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। नंबर तीन, वायु मार्ग। वायु मार्ग की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी चकेरी एयरपोर्ट कानपुर शहर में मौजूद है, जहां से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों तक वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, कानपुर शहर अपने खूबसूरत जगहों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कानपुर शहर में कैसे घूमने के स्थान है जहाँ पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। नंबर एक, एलेन फॉरेस्ट जू। सन 1971 में खुला यह चिड़ियाघर देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ पर लगभग 1250 जानवर है। कुछ समय पिकनिक के तौर पर बिताने और जीव जंतुओं को देखने के लिए यह चिड़ियाघर एक बेहतरीन स्थान है। इस चिड़ियाघर में मिनी ट्रेन द्वारा विद्युत रिक्शा भी चलता है। नंबर दो, राधा कृष्ण मंदिर। यह मंदिर जेके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरती से यह बना यह मंदिर जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैलियों से निर्मित यह मंदिर कानपुर आने वाले लोगों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, इसके अलावा कानपुर शहर में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। आपको कानपुर शहर के बारे में वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल डिजिटल टूडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।